हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ हमारे सीजनल फ्रूट जो चल रहा है अभी, उसका क्रीम यानी कि सीजनल फ्रूट कस्टर्ड एप्पल का डेजर्ट। तो सबसे पहले हम कस्टर्ड एप्पल से पल्प निकालेंगे सीड को रिमूव करते हुए। तो यहाँ ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है और फिर चम्मच की हेल्प से हम इसे एक छन्नी में ले लेंगे। आप देख सकते हो वीडियो में। यहाँ मैंने 1 किलो यानी कि 1 केजी कस्टर्ड एप्पल लिए हैं और इन सारे कस्टर्ड एप्पल का हम पल्प करेंगे। देखिए, इसे विस्कर की हेल्प से 4 से 5 मिनट तक विस्क करेंगे तो सारे सीड अपने आप धीरे धीरे करके रिमूव हो जाएंगे। और यहाँ आपको कस्टर्ड एप्पल बिल्कुल पके हुए लेने हैं, तभी आपके सीड रिमूव होंगे, वरना ये चिपक जाएंगे। देखिए इस तरह से फिर इसे सीड को चम्मच की हेल्प से अलग कर लीजिए। ये थोड़ा प्रोसेस ट्रिकी है, लेकिन ये इजी टाइम लगता है, ट्रिकी तो नहीं है, टाइम लगेगा लेकिन ये हो जाएगा। अब बाउल में कस्टर्ड एप्पल का पल्प ले लिया है पूरा 1 बाउल भर के और इसमें मिलाई है पीसी हुई चीनी 4 चम्मच। हम ये शादियों में भी डेजर्ट खाते हैं ये क्रीम, तो हमें अच्छा लगता है, तो आप इस तरह से घर पर भी बना सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। फिर एक बॉक्स मैंने लिया है अमूल का फ्रेश क्रीम, इसे भी डाल देंगे। और ये और ली है मैंने वेनिला आइसक्रीम तकरीबन 4 स्कूप जितनी। ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनेगा, आप एक बार ज़रूर बनाइए। और फिर इसमें मिलाई 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ मिक्स करने के बाद ये मुझे थोड़ा पल्प कम लगा, तो मैंने 2 कस्टर्ड एप्पल का पल्प निकाल के और ऐड किया है इसमें, यानी टोटल मैंने 7 कस्टर्ड एप्पल का पल्प निकाला है, तभी इसका अच्छा टेस्ट आएगा, वरना सिर्फ आइसक्रीम और क्रीम का ही आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब इसे किसे ये रेडी हो गया है। अब इसे सर्विंग बाउल में निकाल लीजिए। लाजवाब और बहुत ही टेस्टी है, आप एक बार जरूर बनाइए, आपको जरूर पसंद आएगा। और ये जो हमने सीड रिमूव करके रखे थे, देखिए जो बच गया है पल्प, वो सारा भी हम ऐड कर देंगे ताकि खाने में जो चंक्स आएंगे इससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा, अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए इसे भी मिक्स कर लीजिए। थोड़ा हमने ये पूरा पल्प भी रेडी किया और ये भी बिना प्यूरी किए हुए भी कस्टर्ड एप्पल डाल दिए हैं और ये लास्ट में गार्निश करके सर्व कर लीजिए। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।